दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने चेन्नई में 11 अप्रैल से शुरू होने वाले डिफेंस एक्सपो से पहले इंडियन एयरफोर्स को 100 लड़ाकू जहाजों का आरएफआई जारी करने को कहा है, जिनमें इन 100 एयरक्राफ्ट की कुल लागत $15 बिलियन की होगी। अब एक बात आप ही मुझे बताओ कि हमारी वायुसेना को और कुछ काम ही नहीं है क्या? क्या बस सेना लड़ाकू जहाजों के लिए आरएफआई ही लिखती रहेगी? पिछले 30 सालों से एयरफोर्स यही तो लिखती आ रही है, जिसके बदले तेजस के सिवाय सेना को आज तक कुछ नहीं मिला। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि अब हम अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि बोइंग इसमें सेना के मुताबिक बदलाव करने पर राजी हो चुकी है। अरे इतना ही सोचना है तो तेजस MQ-2 पर विचार करो। HLB तो वायुसेना के मुताबिक इसमें बदलाव कर सकती है, वो भी कम लागत में। दोस्तों चलो हम मानते हैं कि भारत ने अमेरिका के F-18 सुपर हॉर्नेट और F-16 लड़ाकू जहाज खरीद लिए, तो क्या आपको लगता है कि उसके अगले साल से अमेरिका अपने F-35 की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शुरू करेगा, वो भी मेक इन इंडिया के तहत? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमेरिका इतने बड़े दिल का है ही नहीं और ट्रम्प अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति कभी नहीं छोड़ेगा। और एक खबर सामने निकल कर आई है कि दक्षिण अमेरिका के चिली और पेरू देशों ने 300 करोड़ रुपए के बजट में भारत की ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। अधिकारियों के मुताबिक चिली आर्म फोर्स ने ब्रह्मोस को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। जब सुखोई लड़ाकू जहाज से इसका सफल परीक्षण किया गया तो उसके कुछ ही हफ्तों में पेरू सरकार ने भी इसे खरीदने की अपनी मंशा जाहिर की। लैटिन अमेरिकी बाजार में अच्छी खासी पकड़ पाने के लिए ब्रह्मोस अब FIDA की शो में हिस्सा ले रही है और यह एक बड़ी अच्छी खुशखबर है भारत के मिसाइल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपके कुछ सवाल या सुझाव है तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और एक लाइक तो इस वीडियो के लिए बनता ही है।